सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं दो डिवाइस जो कि बिल्कुल सेम है, J6 ON 6, केवल नाम का डिफरेंस है, और लॉन्च कर दिया है ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट के लिए। अगर आप भी कन्फ्यूज है मेरी तरह कि J6 खरीदूँ या ON 6 खरीदूँ, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा दोनों में से बेटर है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मैं आपकी पूरी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका बिल्कुल पूरी तरह से सहायता करूँगा। तो J6 यहाँ पे गोल्ड कलर में अवेलेबल है मेरे पास, और ऑन सिक्स मेरे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों में से दोनों डिवाइस कौन सा बेटर है, कौन सा डिवाइस आपके बजट के अकॉर्डिंग है, कौन सा डिवाइस आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो 8 फ्रंट में कैमरा दिया हुआ है वो 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है विथ सिंगल LED फ्लैश के साथ मिलता है। ईयरपीस दिया हुआ है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 720p के पैनल के साथ में आती है। दोनों में सेम रेजोल्यूशन है, दोनों में सेम डिस्प्ले है, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी एम्बेड लाइट सेंसर मतलब ऑटो ब्राइटनेस का सपोर्ट नहीं दिया गया। आपको डायरेक्टली यहीं से आउटडोर मोड एक्टिवेट करना होगा, उसी के बाद में बाहर यानी मतलब ऑटोमेटिकली इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं होगी। बॉटम साइड में आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा। राइट साइड में फ़ोन के एक स्पीकर देखने को मिलेगा और एक पावर बटन देखने को मिलेगा। फ़ोन के बैक साइड की बात की है तो यहाँ पे आपको 13 MP कैमरा दिया हुआ है दोनों में, जो कि F1.9 के अपर्चर के साथ में आता है। कैमरा काफ़ी अच्छा है, दोनों की फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी मिलती जुलती है। एक सिंगल फ्लैश दिया हुआ है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, और साथ में दोनों फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों को मैं अनलॉक करने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप दोनों फ़ोन, यहाँ पर मैं दोनों फ़ोन को अनलॉक करने वाला हूँ और दोनों फ़ोन ईजिली अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फिंगरप्रिंट के साथ में आप यहाँ पे फेस अनलॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सेम है, डिजाइन वाइज दोनों डिवाइस सेम है, आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा ऑन सिक्स है कौन सा J6 है। अगर आपके हाथ में दे दिया जाए इन केस अगर स्टोरेज का फ़र्क ना हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले कि आपको डिवाइस कौन सा खरीदना चाहिए। पहले मैं बात कर रहा हूँ लोअर बजट के बारे में। अगर आपका डिवाइस का बजट लो है, 12.5 तक का बजट है, आपको कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए। तो अगर आपका डिवाइस का बजट आपका खरीदने का बजट लो है, अगर आप सैमसंग का डिवाइस खरीदना चाहते हो, आपके पास 12.5 हज़ार रुपये तक की कीमत है, तो आप J6 खरीद सकते हो जो कि 3 GB और 32 GB के वेरिएंट के साथ में आता है, और ये आपको 13,900 रुपये की MRP भी पड़ेगा। और अगर आप खरीदते हो इसे पेटीएम मॉल से तो आपको 1,500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद में आपका ये डिवाइस 12,500 रुपये की कीमत में मिल जाएगा, और इसका जो हायर वेरियंट आता है वो आपको करीबन तकरीबन 15,000 रुपये की कीमत में देखने को मिलेगा, जो कि 4 GB 64 GB आता है। तो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट में J6 खरीदने की सलाह नहीं देता हूँ। 4 GB 64 GB में अगर आप चाहते हो तो ON6 खरीद सकते हो, जो कि आपको 14,500 रुपये मिलेगा मिलेगा। दोनों डिवाइस सेम है। अगर आप 4 GB 64 GB खरीदते हो तो ON6 खरीदिए, आपको 500 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप 3 GB 32 GB खरीदते हो तो आप J6 खरीदिए, आपको 12,500 रुपये की कीमत में फ़ोन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैमरा दोनों का अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ली है, वो मैं आपको ऑन गैलरी आपको बता देता हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी फोटोज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेल्फीज़ मैंने रात को भी ली थी, तो नाइट में भी कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे मैंने ली है जो कि ये बैक कैमरे से ली हुई है। बैक कैमरे में अगर आप पास से फ़ोटो कैप्चर करते हो तो काफ़ी क्लियर फ़ोटो विजिबल होती है, दोनों फ़ोन में काफ़ी क्लियर फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती हैं। और सेल्फी फोकस की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो कलर रिप्रोडक्शन भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। सेल्फी फोकस की बात करो तो यहाँ पे सेल्फीज़ मैंने कुछ ली थी जो कि सेल्फी फोकस में ली थी, जो कि बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से ब्लर कर देती है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। कैमरा वाइज दोनों फ़ोन सेम है, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है यार, सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो, कैमरा आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोनों में प्रोसेसर सैमसंग एक्जीनोस 7870 दिया हुआ है। J6 दो वेरियंट में आपको अवेलेबल होगा, 3 GB 32 GB, 4 GB 64 GB। पर अगर आपको ON6 की बात की तो एक ही वेरियंट में अवेलेबल है, 4 GB 64 GB। दोनों में आप पबजी, एसपोल्ट 8, डेड ट्रिगर 2, कोई सा भी गेम खेल सकते हो, फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं करता है। और हाल तो लोग कहते हैं कि इसका प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, पर जो प्रोसेसर इसकी रैम के साथ में एडजस्टमेंट किया हुआ है, मतलब जो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। ट्रस्ट मी, ये फ़ोन लेके आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि सैमसंग की सर्विस काफ़ी अच्छी होती है। अब कई लोग सोचते हैं, कई लोगों से मैंने रिकमेंडेशन लिया था तो लोग बोल रहे थे कि यार रेडमी नोट 5 प्रो ले लें, आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो ले ले, पर मैंने सैमसंग ही क्यों लिया, यूट्यूब चैनल होते हुए भी मैंने सैमसंग क्यों लिया। यहाँ पे बात आती है अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और एक सैमसंग ब्रांड अलग है, ब्रांड वैल्यू अलग है, लुक वाइज फ़ोन अलग है। यहाँ पे सर्विस आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी, कोई भी पार्ट्स अगर अवेलेबल होगा
तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अदर कंपनीज की बात करोगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं मिलती है। सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो तो आप इजीली 3 से 4 साल चला सकते हो, फिर किसी को भी बाद में अगर आप देना चाहो अपने ग्रैंड मदर या पेरेंट्स वगैरह को दे सकते हो, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। डिस्प्ले की बात करो तो मुझे डिस्प्ले काफ़ी पसंद आया, स्पीकर भी काफ़ी पसंद आया, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया हुआ और एमोलेड डिस्प्ले है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले की बात ही अलग होती है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में आपको काफ़ी अच्छे कलर रिप्रोडक्शन का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों में सेम साउंड आपको देखने को मिलेगा, सेम व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे, सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा। खैर अभी जियो का नेट ढंग से नहीं चल पा रहा तो यहाँ पे मैं आपको सही रूप से दिखा नहीं पाऊँगा। आप सोच रहे हो सैमसंग का डिवाइस लेने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे कलर व्यूइंग एंगल्स दिखाई देते हैं आपको। ये हो गई डिस्प्ले की बात। अब आखिर में जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है, अगर आपका बजट कम है तो आप J6 खरीद सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो 14,500 तो रुपये आप ये ON6 खरीद सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो आपको जो ON6 पड़ेगा वो 14,500 रुपये की कीमत में पड़ेगा, 14,500 रुपये की कीमत में आप ON6 खरीद सकते हो, 14,500 रुपये की कीमत में, और 12,500 रुपये की कीमत में आप खरीद सकते हो J6, जो कि 3 GB 32 GB के वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। और गैलेक्सी J6 की अगर बात की जाए तो ये जो हायर वेरिएंट है इसका 4 GB 64 GB वाला, वो आपको 15,000 रुपये की कीमत में देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन एक है, दोनों की फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।